रोलर बना रहे हैं जो क्रिकेट रोलर होते हैं सीमेंटेड वाले, हम वो बना रहे हैं बिकॉज हमारे पास उतनी सुविधा नहीं था कि हम रोलर बना सकें, वो भी लोहे वाला, ठीक है। तो हम लोग कम कॉस्ट में रोलर बना रहे हैं जो कि सीमेंटेड वाला होता है। तो गाइस मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ें लगती है, ठीक है। ओके फिर डन, स्टार्ट करते हैं। मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने लगाया है। ये रही गाइस सीमेंट, ठीक है, और ये रहा गिट्टी, सीमेंट और बालू, ठीक है। मिक्स करके हम लोगों ने वाटर डाल के और इसे मिक्स डाला है। और आपको क्या क्या ज़रूरत होगा, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह में, जो अगर हम घर बनाते तो उसमें जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये इसे हम लोगों ने नाप के डाला, जैसे कि हम लोगों ने तीन बालू डाल दिया तीन बार इससे, ठीक है, और सॉरी पांच बार इससे बालू डाला हम लोगों ने और तीन बार गिट्टी डाला हम लोगों ने, ठीक है, इसी से, ठीक है, इससे। और ये रहा हमारा पाइप जिससे हम लोग वाटरिंग कर रहे हैं। और ये रहा ईट, ठीक है, और ये हम लोगों ने खरीदा था हम लोगों ने, ठीक है। ये जो इसमें कुछ रखते हैं जैसे कि चावल वगैरह और गेहूँ वगैरह रखते हैं, तो हम लोगों ने लेके आया था इसलिए कि इससे रोल हो जाएगा, ये गोल निकल जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से पता है, ये एक तरह से सर्कल हो गया, ठीक है, तो गोल ही निकलेगा टोटल। इतनी हाइट है इसकी, देख लो इतनी हाइट है और इतना इसका चौड़ाई है, मीन्स वाइड, ठीक है। और यह ईंट वगैरह जो हम इसमें तोड़ के डालेंगे और साइड से हम लोग इसमें मसाला डालेंगे, जो भी है वो डालेंगे, ठीक है। और गाइस ये रही हमारी पिक्चर ग्राउंड्स, ठीक है। सो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे खेलने में बिकॉज हमारे पास रोलर नहीं था। हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं, रोल बना रहे हैं। और ये हमारी लाइट्स की सुविधा नाइट प्रैक्टिस के लिए। नाइट प्रैक्टिस तो चल रही थी बट विदाउट रोलर आप लोग समझ सकते हो कि क्रिकेट खेलना मतलब कि ना के बराबर, वो भी लेदर की बॉल पे, ठीक है गाइस। ये रहा सब कुछ, और ये रहे मेरे फ्रेंड्स और गाइस, और ये रहा मैं, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब जा रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है, बाकी बाद में बात करेंगे कैसे बनाएंगे, कैसे हम लोगों ने बनाया कैसे नहीं बनाया, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि पता है यहाँ पे हमारा जो पिच वगैरह जो भी वीडियो आ रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा है, ठीक है। ये क्लियर नहीं आ रहा बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिखाई तो दे ही रहा होगा और मैंने वैसे ही बता रखा है, ठीक है आप लोगों को। टेंशन ना ले, जो भी अगर क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो हम लोग कैसे रोल बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो एक मिनट, मैं अभी फ्लैश ऑन करता हूँ बिकॉज बहुत कम से फ्लैश ऑन हो गया। हाँ फ्लैश ऑन है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कि हम रोल कैसे बना रहे हैं। ये हम लोग चारों तरफ मसाला भर दिया, ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने एक पाइप लगा दिया, ठीक है, मोटा से जो रॉड पाइप होता है। ये आपको मिल जाएगा मार्केट में, आप ले लेना। और ये चीज़ें तो आपको मार्केट में मिल ही जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मेटल में पाइप डालना है, ठीक है, उसके बाद से चारों तरफ से ईंट डालना है और साइड में खाली रहना चाहिए। देखो ये साइड में गैप है ना, ये गैप रहना जरूरी है बिकॉज अगर ये गैप नहीं रहेगा तो ये ब्लॉक नहीं हो पाएगा चारों तरफ से। अगर ब्लॉक हो जाए नहीं होगा तो फिर रोल हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। हमें इसे ब्लॉक करना है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कि हम लोग कैसे बना रहे हैं। आप इसे अपने होम पे भी बना सकते हो अगर आपको ज़रूरत है खेलने की, प्रैक्टिस करनी है अगर होम पे हो घर पे, तो आप घर पे इसे बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत यूट्यूब भी देख सकते हो, उस पर भी मिल जाएगा और मैं बना ही रहा हूँ वीडियो। जैसे कि सब लोग देख सकते हो ये रही बालू, ठीक है, और हम इस टोकरी में बालू ले जा रहे हैं। ये आपको एटलीस्ट 10 रैप्स तो लग ही जाएंगे, 10 बार आपको बालू ले जाना पड़ेगा, ठीक है। जितना बार हम लोगों का रोल है उतना बार हमें 10 आपका बालू लग जाएगा। और ये रहा गिट्टी, मैं दिखाता हूँ, अभी गिट्टी दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस ये रहा गिट्टी, ठीक है, आपको ये एटलीस्ट 5 तो चाहिए, जैसे कि 10 बालू का तो 5 ये चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सीमेंट लगेगा, सीमेंट उस टोकरी से 2 लगेगा, ठीक है, 2 टोकरी सीमेंट लगेंगे, 2 से 3 टोकरी, ठीक है। और उसे मिक्स करके हमें फिर उसमें डालना है, हाँ 3 ही बताया। कैसे देख सकते हो ये रहे मेरे फ्रेंड्स और ये ले जा रहे हैं बालू ले जा रहे हैं, ठीक है, बालू ले जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बेचारे। अरे बोलते हैं ना यार कि अगर कुछ भी अगर पैशन हो ना तो हर सामान जुट जाता है, ठीक है। तो हम आज वही कर रहे हैं बिकॉज हमें तो खेलना है ही खेलना है, और जब तक भाई ये हमारी क्रिकेट ना हमारी जान है, ठीक है, तो हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और कुछ भी कर गुजर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं है कि मतलब पैशन ही बस दिखावा के लिए रहे, वो नहीं चाहिए। पैशन ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी भाई डे हो या नाइट हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दिन रात लगा दो अपना, जो बनना है सो बनना है, ठीक है गाइस। पूरी मेहनत करो, पूरी अपनी जान लगा दो, जो बनना है सो बनना है। डैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग और काम कर रहे हैं बिकॉज इतना हो गया हमारा,
अभी और करना है, अभी मैं दिखाता हूँ नाइट ऑन करके, बिकॉज मेरा थोड़ा फ़ोन ख़राब हुआ है भाई, ठीक है। देखो ये थोड़ा बहुत काम हो गया हमारा, अभी और हम लोग काम कर रहे हैं, अभी और कर गया। तो भाई जैसे कि सब लोग देख सकते हो, हम लोग बालू उठा रहे, ठीक है। बालू जैसे टेंट टोकरी मैंने बोला था, टेंट टोकरी हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। और ले जाने के बाद देख लो भाई, इतनी धूप, हम लोग इतनी धूप में भी काम कर रहे हैं, बिकॉज यार फैशन के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आ जाओ वही लोग, अरे अब तो भाई जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हम GT उठा रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ से दो बार GT ले जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हमारा भी हाफ हो चुका है, दो बार हम कर रहे हैं तो दो बार ले लेंगे। अदरवाइज आपको अगर पूरा करना होगा तो आपको चार बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हो जैसे कि आप सब लोगों को मैंने बताया कि गिट्टी, बालू और सीमेंट तीनों मिक्स करके, जैसे कि मतलब गिट्टी हो गया आपका दो टाली हो गया, मतलब इसे टाली समझ लो या फिर टोकरी समझ लो, ठीक है। दो टाली गिट्टी हो गया और चार टाली बालू हो गया, ठीक है, और एक टाली हो गया आपका सीमेंट, ठीक है, सीमेंट। और इन तीनों को मिक्स करने के बाद साइड में गैप रखते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें हमें पानी डालना होता है, और पानी डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, ठीक है, सबको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद फिर अगर मिक्स हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे गाइस, इसमें, ठीक है, बिकॉज ये रोल पूरा सर्कल में हो, जब तक सर्कल में होगा तो हमारे पीस पर रोल नहीं हो पाएगा। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सिविल इंजीनियर नहीं है, एक्चुअली आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं काफ़ी आगे तक खेलता भी हूँ। मैं अपने गाँव पर आया हूँ, तो कोरोना में आया था, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, और ये रही मेरी ग्राउंड, अपने होम ग्राउंड, तो मैं इसमें प्रैक्टिस करता था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस कारण से हम लोग रोलर बनाया है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि बीच में गैप करके मेरे फ्रेंड्स लोग पानी डाले, ठीक है, तो इसमें पानी डालने के बाद हम मिक्स करेंगे, तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे मिक्स करना होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद से आप लोग सब देखते रहो, थोड़ा टाइम लगेगा। सो गाइस अभी आप लोग रहो, बने रहो हमारे वीडियोज़ में, और अंत में मैं यही बोलूँगा कि एक्चुअली मैं प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हूँ, तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी मेरे से, ठीक है, और मैं काफ़ी आगे तक खेलता हूँ, काफ़ी आगे तक, मेरे काफ़ी सारे अभी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो IPL नेट के लिए IPL में अभी जाने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, बिकॉज काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आप लोग काफ़ी कुछ देखोगे मेरे अंदर कि जो हम लोग करते हैं वो आपको शायद YouTube पे शायद ही मिले, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, और ये मेरी अपनी होम ग्राउंड है, ठीक है गाइस, ये मेरी पर्सनल ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज मेरा यहाँ पे तो प्रैक्टिस होता नहीं है, मैं दिल्ली में ही करता हूँ, सरसों कोटला ग्राउंड, कभी वहाँ पे हम लोग जाते हैं, कभी सोचे स्टेडियम जाते हैं, ठीक है, वैसे हम दिल्ली में करते हैं। और एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैंने अभी U19 का स्टेट कैंप भी कर चुका हूँ उत्तराखंड से, ठीक है, और 16-17 का भी खेल चुका हूँ, स्पोर्ट्स स्कूल गेम भी खेल चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो ये रहा मेरा पर्सनल होम ग्राउंड, सो इसके बारे में मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा, वो रहेगा ब्लॉग मेरे ऊपर ही रहेगा, कि क्रिकेटर्स ब्लॉग रहेगा, वो भी मेरी पर्सनल ब्लॉग रहेगी, ठीक है, कि मैं अपना मेरा पर्सनल होम ग्राउंड है तो मैं इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ करता हूँ, मैं खुद से क्या क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें अदर एक्स्ट्रा बच्चे नहीं आते, मैं खुद से करता हूँ, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे काफ़ी करीब हैं, मतलब करीबी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो वही लोग करते हैं गाइज, और बाकी के बंदे यहाँ पर नहीं आते। हाँ, अगर किसी बंदे में जुनून है, अगर इस एरिया से है, तो वो मेरे यहाँ पर आ सकता, ऑफकोर्स आ सकता, अगर वो करना चाहता है तो, लेकिन दिल से मेहनत करने वाला, बिकॉज मुझे टाइम वेस्टर वाले बच्चे नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर अभी मई तक रहूँगा गाइज, इसी मई तक, अगर आप लोग अगर यहाँ से कोई आसपास से होगा तो आप लोग आ सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, अभी हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सो आप लोग देख सकते हो कैसे मिक्स हो रही है। देखो हम लोग साइड साइड से पहले डाल रहे हैं, इस पानी को हमें सुखाना होता है पहले, ठीक है, कि अभी ये पानी ख़त्म होने वाला है, और जैसे ये ख़त्म होगा अब हम इसे मिक्स करेंगे, ठीक है, पहले हम इसे भर रहे हैं। गाइज हमें कुछ खास आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट हम फिर भी कर रहे हैं, कुछ नॉलेज हम लोगों ने इकट्ठा करा, और उसी की बदौलत हम ये काम कर रहे हैं। सो अगर कुछ गलती होता है तो उसके लिए सॉरी, बट जहाँ तक हमें बिलीव है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। हे गाइस जैसे सब लोग देख सकते हो, हे गाइस जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि हमने मिक्स कर दिया, और हम इसे मिक्स कर रहे हैं टोटली अच्छे तरीके से, ठीक है, पानी को हमने मिक्स कर दिया, अब इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद ऐसा मिक्स करना है कि ये मतलब कि ढंग से चपक जाए,
मतलब कि जैसे मेरे बोलने का मतलब कि ये कि ये होल्ड हो जाए, मतलब कि अटैच हो जाए बिल्कुल ही, तभी जब अटैच नहीं होगा तो ये बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ये रोल नहीं होगा, टूट जाएगा फिर, इसलिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि ये अटैच हो जाए, ठीक है। और पूरा इसे गीला करके डालना है, बिकॉज उसमें जब तक हम पूरा गीला करके नहीं डालेंगे तो ये परफेक्ट नहीं होगा। पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मुझे 2-3 दिन से मुझे कोल्ड हुआ है, सो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही, उसके लिए सॉरी। अब वो तो यार जब ठीक होगा तभी तो आवाज़ अच्छा आएगा। सो आवाज़ से अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ इशू होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग देख के समझ सकते हो कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या हम लोग कर रहे हैं। हमारा रोलर बनके तैयार हो गया है, बस अब इसे सूखने की देरी है, ठीक है। अब ये सूखेगा, इसे सूखने में 2-3 दिन टाइम लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, जो साचा है इसे निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, रोलर का शेप आ गया है और हम अभी से निकाल रहे थे और हमने आधा निकाल दिया है। ये देख लो, ये हमने इस चीज़ इक्विपमेंट से निकाला है। ये देखो, रॉड था ऊपर में, रिंग था, सो रिंग भी निकल गया और हमने इस इक्विपमेंट का सहारा लिया निकालने के लिए। ये देखो, इसे हैमर बोलते हैं और ये जो भी निकालने का होता है, उतना कुछ खास हमें आइडिया नहीं है, बट हमें जो जो लगा कि निकालने में कारगर साबित होगा वो हम लेके आए हैं। ये देख लो, ये चीज़ें हो गई और ये हो गया रोलर का शेप, बिल्कुल ही परफेक्ट आया। और ये हमने बीच में छोड़ रखा है जानबूझ के, बिकॉज अगर बीच में अगर नहीं हम लोग छोड़ते तो फिर हम इसमें रॉड नहीं डाल पाएंगे, और रॉड नहीं डाल पाएंगे तो हमें घुमाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो हमने वो कर दिया और ये देखो, ये बिल्कुल सेफ आ गया इसका। ये कि थोड़ा बर्बाद हुआ है हमारा, बट कोई ना, इसे उस समय उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रोलर का शेप लाना था। सो ये जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने सीमेंट का घोल बनाया है, ये रहा घोल, पानी डाल के और सीमेंट डाल के घोल बनाया है। और जितने भी ये डॉट्स हैं ना, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे ये छोटे छोटे जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, इन सबको हम घोल के थ्रू भर रहे हैं ताकि ये चिकना हो जाए। और ये जैसे ही वह पूरा भर जाएगा तो ये पूरा चिकना हो जाएगा। सो गाइस, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, 1-2 दिन सूखने में लग जाएगा और 2 दिन ढालने के बाद सूखने में लगेगा, मतलब यही 4 दिन के आसपास में लग जाएगा, बट ये रेडी हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर काफ़ी सारे डॉट्स थे बट इधर दिख नहीं रहे, ये सीमेंट का घोल डाल के हम लोगों ने भर दिया है। सो बहुत अच्छा हो गया है। आप लोग भी बनाना चाहते हो अगर अपना रोल घर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अगर छोटा मोटा ग्राउंड है तो आप ऐसे बना सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सो सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी दिस। लुक एट हियर, पिच, इट्स अमेजिंग। हाय हिमांशु, हाय, लुक एट दिस, वाओ यार, इट्स अमेजिंग, बिल्कुल प्लेन।